जाहिर सी बात है जहर है, जो इंसान खाएगा वो तो मरेगा ही, क्योंकि जब हम जानते हैं कि वो जहर है, हमारे सेहत के लिए नुकसान करेगा, तो फिर क्यों पीना, किस लिए पीना। ये अनलीगल तरीके से विपक्ष वाले जो दारू के जो भट्टी चला रहे हैं, उस भट्टी को हम महिलाएं मिलकर ध्वस्त कर देंगे। जब बीजेपी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो बहुत अच्छा है, और जब महागठबंधन की सरकार आ गई तो जलन हो रही है क्या? ऊपर वाला गद्दी पे बैठा है, उन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, अनलीगल काम करने के लिए पैसा ज्यादा की जरूरत पड़ती है, फंडिंग की जरूरत पड़ती है, ये फंडिंग उनके पास है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जहरीली शराब पिला के और ऐसे सरकार को बदनाम करना चाहता है। उन लोग चाहे लाख चाल चल ले, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ही पसंद करेगी और उनके साथ ही खड़ी रहेगी। और तो और देखिए, महिलाएं भी साथ खड़ी, और इससे ज्यादा करारा तमाचा मतलब विपक्ष वाले को क्या मिलना चाहिए? क्या आप सरकार से पूछ के पीते हैं? जब सरकार बिहार में कानून लागू कर दिया कि शराब बंदी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क्या गलती है? नीतीश कुमार जी तो ये भी बोले कि आप काम कीजिए, हम 1 लाख रुपया देंगे, उससे भी अच्छा काम कीजिएगा तो उससे भी बढ़ा के पैसा देंगे, तो काम क्यों नहीं करते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं कि महागठबंधन को बदनाम करना चाहता है, तो बदनाम करने से कुछ होगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। शराबबंदी को लेकर के जो विपक्ष हैं वो लगातार हमलावर थे पक्ष के नेताओं पे, लेकिन जब जो महिलाएं देख रहे हैं, ये राजद कार्यालय में ये महिलाएं मौजूद हैं, ये लोग अब शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब को नहीं पीना चाहिए। देखिए, हमारे साथ राजद की नेत्री हैं, आखिर आप लोग शराब को क्यों समर्थन कर रहे हैं, उसे मर रहे हैं लोग पीने। देखिए, एक बात बताएं, मर रहे हैं, जाहिर सी बात है जहर है, जो इंसान खाएगा वो तो मरेगा ही, क्योंकि जब हम जानते हैं कि वो जहर है, हमारे सेहत के लिए नुकसान करेगा, तो फिर क्यों पीना, किस लिए पीना। अगर जितने पैसे का आप दारू पीते हैं, अगर वही पैसा को दूध दही फल फ्रूट आप खाइएगा तो आपके देह में लगेगा, अपने बीवी बाल बच्चा घर परिवार आप देखिएगा। दारू पीने से क्या होता, आपका नुकसान होगा, आपका सेहत जाएगा, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा, बाद में क्या होगा आप मर जाइएगा। तो शराब पीने से क्या होता है, जो बिहार में कानून लागू है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे जो लागू किए हैं, शराब बंदी किए हैं, वो कानून तोड़ के लोग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार में शराबबंदी किए थे और शराबबंदी है, तो उस टाइम नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि बहुत अच्छा काम किए हैं, बिहार में शराबबंदी हुई है, बहुत खूब अच्छा बात है। तो रहा बात, अगर वो शराब पीजिएगा तो जाहिर से बात है मरिएगा, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क्या गलती है? गलती नहीं है, बिहार में शराब बंद या शराब मिल जा रहा है तो गलत नहीं है मुख्यमंत्री जी का। क्या गलती है जब आप कुछ नहीं नहीं जब बीजेपी नहीं नहीं एक नहीं नहीं बिल्कुल हमारा प्रशासन कर रहा है, जो पी रहा है उसको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, बिल्कुल अवैध संबंध शराब गलत बना रहा है उसको कहाँ पकड़, बिल्कुल पकड़ा जा रहा है, जो पी रहा है वो भी पकड़ा रहा है और जो उसका मेन आदमी वो भी पकड़ा रहा है, बिल्कुल मेरा लोग मर जाते हैं और कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। नहीं नहीं, मेरा प्रशासन बिल्कुल काम कर रही है और करता भी है, जाहिर सी बात है। जब बीजेपी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो बहुत अच्छा है, और जब महागठबंधन की सरकार आ गई तो जलन हो रही है क्या? जलन होगा नहीं, क्योंकि इतना सारा रोजगार युवा को नौकरी देने के हर महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, तो जलन तो होना ही हो, और जो हम लोग को शराब पी रहे हैं वो तो मरेंगे ही, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क्या गलती है, कहाँ से गलती है? आप जहर खाओगे भाई तो मरोगे ना, तो फिर क्यों हम शराब पियेंगे? उसे पैसे न्याय देना ना चाहिए नीतीश जी को, उनको सरकारी ना मदद करेगा या फिर कोई और मदद? ये सरकार मदद करेगा, ठीक है, क्या आप सरकार से पूछ के पीते हैं? जब सरकार बिहार में कानून लागू कर दिया कि शराब बंदी है, यार इसलिए मदद करेगा क्योंकि बिहार में शराब बंद है, उसके बावजूद भी बिक रहा है तो सरकार जिम्मेदार है। बताएं कुछ ऐसे नहीं नहीं कुछ ऐसे नहीं है बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जहरीली शराब पिला के और ऐसे सरकार को बदनाम करना चाहता है, तो जनता ये नहीं देख रही है क्या कि पहले विकास की बात नहीं होती थी, अब विकास की बात हो रही है, अब मुद्दे की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम पिएंगे तो हम मरेंगे। समर्थन करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे, हम जानते हैं कि हम पिएंगे तो हम मरेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क्या गलती है? नीतीश कुमार जी तो ये भी बोले कि आप काम कीजिए, हम 1 लाख रुपया देंगे, उससे भी अच्छा काम कीजिएगा तो उससे भी बढ़ा के पैसा देंगे, तो काम क्यों नहीं करते हैं? पीने के लिए पैसा है, ताड़ी वाले पे बोल रहे हैं 1 लाख देंगे। बात बता
है लेकिन उसमें भी तो नहीं सरकार। एक बात बताएं आपको, बीजेपी वाले क्या किए हैं? कुछ किए हैं। बीजेपी के भी दौर में बहुत ज्यादा मतलब शराब बिकता था, आज तो बहुत कम हो गया, बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है। आप शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, महिला शक्तिकरण लोग तो कर रहे हैं, राजस्व का घटा हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है शराबबंदी से राजस्व का घटा, तो कैसे आप लोग क्या है आप लोग समर्थन? एक बात बताएं, उस महिला से जो कि झोपड़ी वाली महिला से जाकर पूछिए कि उनके घर में कितनी खुशी है, जो पहले पी के जाते थे, मार पीट गाली गलौज, आज तो नहीं हो रहा है ना। आज तो नहीं। कुछ ऐसे लोग है कि महागठबंधन को बदनाम करना चाहता है, तो बदनाम करने से कुछ होगा क्या? आज जितना को शराब पीते है उतना को जाके फल फ्रूट खाइए। अगर फैमिली से प्यार है आपको तो ये सब पीना बंद कर दीजिए बिल्कुल। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। शराब मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे बीजेपी वाले हैं कि मुद्दा बहुत ज्यादा फैला दिए, कुछ है नहीं, सिर्फ आरोप आप लोग लगाते हैं। अरे गलत काम करवाइएगा आप लोग आरोप लगवाइए। बीजेपी वाले नहीं है, हम लोग आरोप नहीं लगाते, जो हम लोग कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। और हम लोग तो बोलते हैं ना गरीब के मसीहा, गरीब के मसीहा हमारे लालू जी हैं। लालू जी से एक महिला बोली थी कि ठीक है हम लोग वोट देंगे बिहारवा में जो इतना शराब चालू बाटे बंद करवा दिए, तो लालू जी हमारे बोले कि ठीक है बहुत कम है। और रहा बात ये भी जो थोड़ा बहुत है तो देखा जाए तो हमारा प्रशासन बहुत मदद कर रहा, हेल्प कर रहा, पकड़ के लेके जा रहे। देखिए कहीं भी रोड पे पी के पटा रहे हैं। राजस्व घाटा में तो जाए जाए लेकिन शराब बंद होना चाहिए। बंद तो है भाई, उसमें लोग कानून तोड़ के अगर पीते हैं तो उसमें क्या कीजिएगा? उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या गलती है? उसमें तो कुछ उनका गलती नहीं है बिल्कुल। आप काम कीजिए, हेल्प सब कोई करेगा। शराब देखिए पूर्ण रूप से चालू नहीं है, ना कभी हो सकता है। हम लोग उसी को शराब बंदी का ही अभी रैली मार्च निकाले हुए हैं। ये अनलीगल तरीके से विपक्ष वाले जो दारू के जो भट्टी चला रहे हैं उस भट्टी को, बिल्कुल विपक्ष वाले जो भट्टी चला रहे उस भट्टी को हम महिलाएं मिलकर ध्वस्त कर देंगे। विपक्ष वाले दारू, बिल्कुल विपक्ष वाले का प्रमाण इस बात का है कि क्योंकि वो लोग ऊपर वाला गद्दी पे बैठा है, उन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, अनलीगल काम करने के लिए पैसा ज्यादा की जरूरत पड़ती है, फंडिंग की जरूरत पड़ती है, ये फंडिंग उनके पास है। लोग तो आप ही पे आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे। हाँ तो वही तो बात है कि काम वो लोग कर रहे हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसी को रोकने के लिए हम लोग रोड पे आ जाए हैं। राजस्व को घटा है ना शराबबंदी से? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं घटा, देख लीजिए, घटा नहीं है, कुछ नहीं घटा है। और उन लोगों चाहे लाख चाल चल ले, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ही पसंद करेगी और उनके साथ ही खड़ी रहेगी। और तो और देखिए महिलाएं भी साथ खड़ी, और इससे ज़्यादा करारा तमाचा मतलब विपक्ष वाले को क्या मिलना चाहिए? लेकिन शराब बंद भी, बिल्कुल शराब बंद रहेगा, लोग पीकर मर जा रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। अब देखिए जो लोग पी के मर जा रहे हैं तो वो लोग गलत अनलीगल चीज़ों को करने के लिए अनलीगल चीज़ों का वो लोग मिक्सअप कर रहे हैं और उस मिक्सअप से जो पी रहे हैं वो मर रहे हैं। तो इसलिए तो हम लोग रोड पे आए हैं कि आप लोग जब शराब लीगल तरीके से जब बंद है, हमारी सरकार जब शराब को बंद करके रखी है, तो आप लोग अनलीगल तरीके से दारू को क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिससे गरीब गुरबा मर रहे हैं और इतने सारे लोग मरते जा रहे हैं, दिन पे दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मरने वाले लोगों की, आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। एज ए व्यक्ति, एज ए नागरिक बिहार का, लोगों को जो शराब पिया है उनसे मरा है, उन लोगों का परिवार को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं सरकार की तरफ से? नागरिक आप बताइए। देखिए जो लोग दारू पिए हैं तो वो लोग को तो पहले दिमाग होना चाहिए कि हमारी सरकार जब दारू को बंद कर दी है तो वो लोग दारू क्यों पिए। अगर वो लोग सुने, एक मिनट न्याय का मैं भी बात कर रही हूँ भैया, अगर हम गलत करेंगे तो भुगतेगा कौन? हम ही भुगतेंगे ना। हमें तो भगवान ने आंख दिया है, कान दिया है, दिमाग दिया। वो लोग को जब पता है कि हमारी सरकार दारू बंद करके रखी है तो वो लोग दारू पिए क्यों? नहीं पीना चाहिए था ना। अगर वो लोग पिए हैं तो वो लोग खुद मुजरिम हैं, पीने वाले खुद मुजरिम हैं। न्याय मिलना चाहिए। नहीं, वो लोग मुजरिम हैं बिल्कुल। मतलब यही ना कहना कि न्याय नहीं मिलना चाहिए। न्याय क्या, मुजरिम को क्या न्याय मिलना चाहिए आप बताइए? इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई कानून समाज में टूटता है या किसी ढंग का जब पुरुष के द्वारा जायदाती होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित महिला होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। तो जब भी शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर के कोई मरता है तब महिला ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो हमारे आदरणीय नेता और आदर तेजस्वी यादव जी, आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, कि याद होगी जब 18 महीना की सरकार बनी थी तो शराबबंदी कानून लागू हुआ था, लेकिन अभी कुछ लोग इसको बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए शराब पूर्ण रूपेण बंदी है लेकिन उसके खेप को पहुँचा करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसी के समर्थन में आज जो है कि शराब
बंदी कानून लागू है, इसको सब कोई मत तोड़े, क्योंकि जो तोड़ेंगे जो पी के मर जा रहा है शराब बंद में भी, तो आप एक चीज का ये चुरा करके पीने वाले के लिए जो है प्रशासन में गलती है कि नहीं, नहीं बिक रहा है शराब, शराब नहीं बिक रहा है, कुछ लोग जो है सरकार को बदनाम करने के लिए शराब का खेप ला करके गरीब गुरुआ के बीच, क्या कोई अमीर आदमी देखे मरते हुए, अमीर आदमी के देखे मरते नहीं ना मरता है, तो गरीब के घर में पहुंचाया जा रहा है, चूंकि शराब जो पहुंचा रहा है वो गरीबों का समर्थक नहीं है, समाज का शांति अमन चैन वाले लोग नहीं है, वो समाज में अमन चैन को भंग करने वाले लोग हैं, सरकार को बदनाम करने वाले लोग हैं। और ऐसी स्थिति में जो है आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई कानून बना कि आप अपने पत्नी के सिवा गैर औरत को आप नहीं छू सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी औरत को छू के बदतमीजी करिएगा तो आपको इनाम दिया जाएगा, बोलिए आपको जज मानते हैं, मतलब सीधा न्याय नहीं मिलना चाहिए, नहीं नहीं कैसे नहीं, जो शराब पी रहा उसको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं कानून है बना हुआ कि आप शराब पीते क्यों है, कानून का पालन कीजिए ना, कानून का पालन कीजिए कि शराब पीना पीने वाले को और जो शराब बेचने वाले दोनों के लिए सजा है, तो फिर शराब क्यों पी रहे हैं आप, कानून तोड़ रहे हैं आप। यह हम सरकार से, जनता से, आदरणीय जनता मालिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि शराब नहीं पिए, लोग साजिश कर रहा है आपके जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए, आपको बेसहारा करने के लिए शराब ना पिए। क्या प्रतिक्रिया है जो कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।